नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए देख लेते हैं सबसे पहले 15 सेकंड में खबरें। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, विश्व के सबसे बड़े अन्न भंडारण योजना को मिली मंजूरी, 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी केंद्र सरकार। विपक्षी एकता की मुहिम में सीएम नीतीश को मिला ममता बनर्जी का साथ, पटना में 12 जून को विपक्ष की बैठक में होंगी शामिल, बीजेपी ने कसा तंज। ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की खारिज, फैसले के बाद नियमित पूजा की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ, वाराणसी जिला कोर्ट में होगी अब सुनवाई। पीएफआई के खिलाफ बड़ा एक्शन, देश भर में 25 जगह एनआईए की छापेमारी, बिहार कर्नाटक और केरल में की छापेमारी, मोहम्मद नदवी के रिश्तेदार के घर रेड। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर दिल्ली में साक्षी का कातिल साहिल, पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में किया था पेश, हत्याकांड के कारणों की होगी पूछताछ। राज्य में लव जिहाद के शिकार भागलपुर की मानवी राज को मिली जान से मारने की धमकी, आरोपी तनवीर ने पूरे परिवार को धमकाया, बाद में माफी मांगने का भी जारी किया वीडियो। भोपाल में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले, जॉन किंग्सली बने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सचिव, अभिषेक सिंह को राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव बनाया गया। दमोह हिजाब मामले में जांच समिति का गठन, तहसीलदार डीसीपी और नगर पालिका सीएमओ करेंगे मामले की जांच, कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने दी जानकारी। सलकनपुर में महाकाल लोक की तरह बनेगा भव्य देवी लोक, सीएम शिवराज ने किया भूमि पूजन, 52 शक्ति पीठों से लाई गई है मिट्टी। चुनावी साल में जवानी जंग तेज, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधि शर्मा का कांग्रेस पर प्रहार, दिग्विजय सिंह को बताया मिस्टर मट्टाधार, कमलनाथ को कहा कमीशन नाथ। विधि शर्मा के कमलनाथ वाले बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया का बयान, जिन्होंने कमीशन लिया उन्हें होगी कमीशन खोरी की जानकारी। महाकाल लोक में मूर्तियां टूटने पर सियासत जारी, मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस एफिडेविट पर लिखित में दे, कहां हुआ भ्रष्टाचार, जांच को तैयार। दमोह में पाइपलाइन फूटी, 50 फीट तक उठा पानी का फव्वारा, हजारों लीटर पानी बर्बाद। कांकेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, जल संसाधन विभाग का एसडीओ निलंबित, परलकोट जलाशय में पानी बहाने का मामला, खाद्य निरीक्षक के निलंबन के बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई। अंबिकापुर में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन, कलेक्टर दफ्तर का किया घेराव। धमतरी में कलेक्ट्रेट में हंगामा मचाने के मामले में एफआईआर दर्ज, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप, 30 मई बीजेवाईएम के कार्यकर्ताओं ने किया था प्रदर्शन। बिलासपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हथियार के साथ बदमाश को किया गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस भी बरामद। रायगढ़ लव जिहाद मामले में बड़ा खुलासा, युवती की मौत से पहले का वीडियो आया सामने, मृतिका ने वीडियो में बताया दानिश बहुत पीटता था। जशपुर में रफ्तार का कहर, ऑटो बेकाबू होकर पलटा, 3 महिलाओं समेत 4 की मौत, 1 बच्चा गंभीर घायल। दुर्ग में अवैध प्लॉटिंग मामले में निगम की बड़ी कार्रवाई, वैशाली नगर जोन क्षेत्र में 10 एकड़ जमीन से हटाया अतिक्रमण, निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई। रोदा बाजार में दर्दनाक हादसा, कोस मंदी में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, गांव में पसरा मातम। सूरजपुर में कोल माइंस के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन, प्रभावित लोगों को नौकरी और मुआवजा देने की मांग, माइंस के गेट पर ताला जड़कर जताया विरोध। रायगढ़ में अंतिम चरण में रामायण महोत्सव की तैयारी, अरंडकांड की थीम पर सज रहा मंच, कंबोडिया और इंडोनेशिया के दल देंगे प्रस्तुति। भोपाल में फर्नीचर गोदाम में आग, देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, सारा फर्नीचर जलकर खाक। शाहजहांपुर में अहिल्या जयंती पर चल समारोह का आयोजन, युवतियों ने तलवारबाजी कर किया शौर्य का प्रदर्शन, आयोजक का बयान लव जिहाद और धर्मांतरण से बचाने के लिए कर रहे जागरूक। आइए अब खबर